ठीक है, सिंपल रूल्स ऑफ योर फूड। ये तो हुआ मुख से भोजन, बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है बट हमारे लिए उतना जो हमारे काम का है। मन मन का भोजन, प्रतिदिन हमें थोड़ी देर अपने गुरु के डिस्कोर्स को, सत्संग को 10 मिनट चाहे 5 मिनट सुनो, कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ ले नहीं लेंगे वो तुमसे। दूसरी चीज मन का भोजन, उठते के साथ थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास जरूर करो। उठते के साथ मोबाइल फोन अगर आप देखते हैं तो बंद कर दीजिए, वो आपकी सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। कुछ लोग उठते ही अखबार पढ़ेंगे, उठते ही मोबाइल देखेंगे, उठते ही न्यूज चैनल्स देखेंगे, कभी नहीं करना। यू आर गिविंग पॉइजन टू योर मेंटल हेल्थ। हम ये नहीं कह रहे कि कबूतर बन जाओ, दुनिया में क्या हो रहा है मत देखो, हर सोशल एक्टिविटी की खबर हमें होनी चाहिए, बट देयर इज अ टाइम। उठते के साथ नहीं, आपका पेपर खाली है जो लिखोगे पूरा दिन रहेगा, एक हैबिट चेंज कर दो, मुझे सुबह उठने के बाद 1 घंटा स्क्रीन नहीं देखनी है बस, एंड यू विल सी अमेजिंग चेंजेस, आई कैन गारंटी यू। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैं आपको गारंटी दे रही हूं। उठने के बाद 1 घंटा मुझे मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर कुछ नहीं, मेरा मेरी साथ ना। तो बस अलार्म बंद करना है ना, पर होता क्या ना, अलार्म बंद किया, फिर खोल लिया, फिर थोड़ा देख लिया, मैसेज तो नहीं आया, फिर थोड़ा सोशल मीडिया भी देख लिया, फिर क्या हो गया, अरे इसने तो इतना कुछ कर दिया रात रात में ही, मेरा तो रह गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अरे दुनिया में कितना दुख है, अरे मेरे कॉन्टेम्प्रेरीज तो मेरे से आगे निकल गए, बस वहां से शुरू। ठीक है, 1 घंटा नहीं। मन के स्वास्थ्य के लिए गुरु का सानिध्य, सत्संग, अच्छे लोगों से बातचीत, ऐसों से बात करो जो तुम्हें कहें कि प्रीति कैसे हो, अरे गुरु जी आनंद में, कि प्रीति कैसे हो, बस कट रही है, कल से बहुत दर्द है, थोड़ी देर बाद प्रीति को भी दर्द होना शुरू होता है कि नहीं, घर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है, तुम सोचो कितनी हम नेगेटिविटी कर देते हैं ना, मतलब एक ने कहा घर गए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप अपने घर गए, देखो भी मेरे से बात मत करो, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं परेशान हूं, ठीक है, पहले तो आपने अपने आप को बता दिया आप परेशान हो, फिर आप ठीक भी हो गए तो आसपास वाले इनसे बात नहीं करो, ये परेशान है, ठीक है, फिर कोई मेहमान आया घर पे, इनसे अभी बात नहीं करनी, बहुत परेशान है, फिर आप कह रहे हो मैं तो ठीक हूँ, अब मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मैं तो परेशान था ना, अभी सोशल प्रेशर आ गया ना परेशानी का, एंजॉय नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं तो वही आपका सरदर्द ठीक है, चलो सरदर्द हो भी रहा है, तुम गए, तुमने थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताया, आनंद हंस लिए, थोड़ा अट्टहास कर लिया, और लोग आए उन्होंने भी तुम्हारे साथ थोड़ा आनंद कर लिया, थोड़ी देर बाद सरदर्द अपने आप भूल जाओगे। तो हमें केयरफुल रहना है कि हम मन से ले भी क्या रहे हैं और वाणी से दे भी क्या रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी भरे, यानी कि जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरे, और अगर है भी ऐसा कोई तो उसको छोड़ना नहीं, उसको भी पॉजिटिव कर लेना, तो तुम भी भारत योग करो, तुम भी ठीक हो जाओगे, यही तो पॉजिटिविटी होती है, ट्रांसमिट होती है। तीसरी चीज, त्वचा से हम क्या भोजन ले रहे हैं। अगर आप अपनी स्किन पर कोई भी ऐसी चीजें अप्लाई करते हैं जो स्किन के पोर्स को ब्लॉक करती है, जैसे हम बहुत से लोग ऐसी क्रीम्स और पता नहीं बॉडी लोशंस और बहुत सी कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल हम अप्लाई करते हैं, विशेष रूप से सनस्क्रीन्स लोग अप्लाई करते हैं, सो दैट इज अ ब्लॉकेज। चलो आपको कुछ लोग को स्किन प्रॉब्लम है, धूप में जा रहे हैं लगाए, लेकिन उसको फिर क्लीन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज सन लाइट, कहां से अंदर जाएगी, स्किन से, वो हम नहीं ले रहे हैं, तो हम स्किन का भोजन नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अभी देखो 2 दिन से सन नहीं है, अभी तो आप लोग इतना पॉजिटिविटी के साथ है, अगर अभी हम इतने पॉजिटिव नहीं होते ना तो तुम्हें थोड़ी देर बाद एकदम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सन लाइट ही एनर्जी है। एक नियम बना लीजिए कि मुझे 20 मिनट्स सन लाइट में जरूर जरूर बैठना है। हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं, जिन साधकों ने रूपांतरण कोर्स भी किया, 3 दिन तो हमने किया, बड़ा अच्छा लगा था, फिर तो हम डे टू डे लाइफ में बिजी हो गए। क्यों? क्योंकि हम दवाई खाने के लिए तो समय निकाल सकते हैं,
पर हम 20 मिनट सनलाइट के लिए समय नहीं निकाल रहे। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सन सिर्फ वाइटामिन डी नहीं देता है, ऐसा एक वो, और वाइटामिन, मेरा तो एक एक साधक आए थे कि गुरु जी मेरा वाइटामिन डी ठीक है, पर इट्स नॉट ओनली अबाउट वाइटामिन डी, इट्स अबाउट लाइफ फोर्स। एनीथिंग विच इज डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट विल एंड सून, रिमेंबर दिस। उसका प्रभाव आपको अपने जोड़ों पर दिखना शुरू हो गया होगा, जो लोग सनलाइट में नहीं बैठ रहे, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द। सो मेक श्योर आप 20 मिनट सनलाइट में जरूर बैठे। तो तीन भोजन हमें लेने हैं, पहला मुख से, जिसमें हमें हर डाइट में, हर आहार में अपने से प्रश्न पूछना है, क्यों खाऊं, कितना खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। दूसरा आहार हमें लेना है मन से, जिसमें हमें सत साहित्य पढ़ना है, सत्संग रहना है, सत्संगति और सेल्फ टॉक मेडिटेशन। तीसरा आहार हमें लेना है अपनी त्वचा से, त्वचा पे कोई भी ब्लॉकेज वाली चीजें हमें अप्लाई नहीं करनी है, और सनलाइट में 20 मिनट्स जरूर बैठना है। 5 मिनट का समय प्रश्न उत्तर का, डाइट से जुड़ा अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए।